खाने खिलाने का जो है क्या बात है। अच्छा। केले के पत्तों को साफ सुथरा करके जो है कतार से बिछाते और उसके अंदर खाना परोसते, खाना लगाते। अच्छा। डोसा था। अच्छा। ये और इडली और डोसा और वो थे और अब तुम मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो। अच्छा। और वो जो है देसी पिज्जा की तरह था वो। अच्छा। उत्तपम तो नहीं है? उत्तपम है या उत्पम है या इस तरह? बहरहाल मैंने भी एक दफ़ा एक फूड ब्लॉग बनाया था, कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें दो तीन चीज़ें हमने डोसा तो बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उत्तपम है या उत्तपम मुझे भी वो नाम आज तक सही समझ है, लेकिन आपने देसी पिज्जा वाली बात की तो मुझे लग रहा है। हाँ, वो बड़ा मज़ेदार खाने ये जो उनके खाने यार इतने लजीज है, उनकी उनके मसालों की क्या बात करूँ। अच्छा। हम अपने हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? मेरे साथ हैं अब्दुल रहमान बलोच भाई, ब्राज चोने जोड़वाश। तो भाई आप सोच रहे होंगे मैंने क्या बोला, तो बलोची में मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे हैं। तो भाई हमारे साथ जो है अब्दुल रहमान भाई हैं और इनसे जानते हैं कि भाई कब जाना हुआ, कैसे जाना हो, क्यों जाना हुआ इंडिया, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। मैं बहरीन के शहर मानामा में एक कंपनी में काम करता था। अच्छा। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था गंगाधर। अच्छा। तो उसको हम मोहब्बत से जो है पिंटू बुलाते थे। अच्छा। बड़ा ही अच्छा और नेक दिल इंसान था वो। उन्होंने बताया कि मतलब अभी भी मतलब उनसे है, अब कांटेक्ट है? जी जी हाँ बिल्कुल है। तो आपने बोला था? अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा यार मेरी भाई की शादी हो रही है, क्या आप मेरे भाई की शादी में आओगे? मैंने कहा यार मेरे लिए तो मुश्किल होगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे वीज़ा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा यार इसकी टेंशन आप मत लो, मैं आपके लिए कोशिश कर लूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कोशिश की और हमारा एक और दोस्त भी था उसके लिए भी कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ टाइम लगा वीज़ा मिलने में तकरीबन 2-3 महीने में मिल गया। अच्छा। और इत्तेफाकन वो जो हमारा दूसरा दोस्त था वो बेचारा रह गया। अच्छा। नसीब की बात थी। अच्छा, उसका वीज़ा नहीं लगा? नहीं लगा उसका वीज़ा। अच्छा। तो हम गए वहाँ पर। कैसे गए वहाँ से, किस तरह जाना हुआ मनामा में? मतलब आप मनामा से हम लोग बाय एयर जो है कोची शहर में। अच्छा। कोची को मेरे ख्याल में कोचिन भी शायद कहा जाता है भाई, जो कमेंट्स आप लोग करेंगे जरूर कि मतलब जो हमारे व्यूअर्स देख के बताइएगा कि कोचिन भी शायद कहा जाता है कोची को। अच्छा सर, फिर कोचिन आप गए वहाँ पर? गए सॉरी कोची गए वहाँ पर गए एयरपोर्ट में, वो हमारे आए हमारे लेने। तो हम जब वहाँ पर गए तो बड़ा अच्छा माहौल था, साफ़ सुथरा रोड, हर चीज़ एक मेरे लिए निराली लग रही थी। अच्छा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान बहरीन और जो है कोची शहर में जब हम गए थे तो एक अजीब नज़ारा हमारे लिए था। अच्छा। तो वहाँ गए बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे पिंटू भाई जो है हमारी हर वक्त जो है खिदमत में रहते थे और शादियाँ वो हमारे साथ मिले जो है। अच्छा। तो हमारे लिए वहाँ पर उनकी जबान मलयाला बोलना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी जुबान हट के हम हिंदी बोलने वाले थे, उर्दू बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, और उनकी जबान हमारे लिए जो है ना बहुत दुश्वार थी। अच्छा। लेकिन वो बेचारे हमें जो है अपने लोगों से मिला देते तो हमारे ट्रांसलेट करते थे कि ये अच्छा, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। तो वो बहुत मिलनसार लोग थे, मैंने देखा बहुत अच्छे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैंने वहाँ पर देखी, वहाँ का बच्चे से लेकर बड़े तक तालीम याफ्ता बड़ी तालीम एजुकेशन, मतलब जी जी उर्दू में तालीम याफ्ता जो हमारा एजुकेशन एजुकेशन। अच्छा। तो वो हमसे कई गुना वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की हर चीज़ साफ सुथरा, हर माहौल इतना प्यारा माहौल कि ऐसा लगता था मुझे कि यार मेरा घर तो यहाँ ही पर होना चाहिए था। लेकिन मनामा में भी तो आप रहते थे ना, तो मनामा भी तो बहुत मनामा में आप ये कहो कि हम सुबह जाते थे और रात को निकलते थे। अच्छा। हमारा ये हिसाब था जो इतना घूमने फिरने का मैं मौका नहीं मिला वहाँ पर। बस एक जो है जुमे का दिन था जो हम लोग बाहर घूमते फिरते थे जी। अच्छा। तो शादी पे मेन बात पे आते हैं, तो शादी कैसी थी वहाँ की? आप शादी में जाहिर गए जो उसी वजह से गए थे, तो पिंटू भाई के भाई की शादी कैसी थी? हमारे पाकिस्तानी और बहरीन और उनकी शादी में जो है ना
वो कहते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, उनकी शादी दूल्हा को एक जो है हाफ कुर्ता और उनकी लुंगी और अच्छा। तो एक बड़ा सा कपड़ा पहनते थे और दुल्हन की वही साड़ी और बड़ा कपड़ा और देखने में बड़ा खूबसूरत। लाल वगैरह नहीं, दुल्हन का नहीं, नहीं 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 उनका अपना है। देखते रहे वैसे तो साउथ की फिल्मों में जो देखते रहे। अच्छा, तो आपके लिए कैसा था वो माहौल, किस तरह का? वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त। उनके जो है ना कतारों में खड़े होकर जो है ना और ढोल बजाना और उनकी शहनाई, उनकी शहनाई तो क्या बात है यार। अच्छा। उनकी शहनाई में बड़ा मज़ा आया। हाँ, उनके अलग ही थोड़ा एक वो सुनते हैं। और उनके माहौल को देखकर जो ढोल है शहनाई है तो आदमी बिल्कुल इनके अंदर ही खो जाता था। अच्छा, वाकई लगता था यार एक ज़बरदस्त माहौल है और इनकी जो है ना रस्म व रिवाज जो है ज़बरदस्त। तो आपने इंडियन फिल्में कभी देखी है वैसे, जो नॉर्मल मतलब जी जी हिंदी जी फिल्में? जी, तो उसमें जो शादियां और चीज़ें उसमें और इसमें फ़र्क नज़र आया आपको थोड़ा? नहीं नहीं, मतलब नहीं, साउथ के हिसाब से जैसे साउथ के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क था। और वहाँ का जो है ना खाने खिलाने का जो है क्या बात है। अच्छा, केले के पत्तों को साफ सुथरा करके जो है कतार से बिछाते और उसके अंदर खाना परोसते, खाना लगाते। अच्छा, डोसा था। अच्छा, ये और इडली और डोसा और वो थे और अब तुम मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो। अच्छा, और वो जो है देसी पिज्ज़ा की तरह था वो। अच्छा, उत्तपम तो नहीं है? उत्तपम ठीक है, उत्तपम है या उत्पम है या इस तरह। बहरहाल मैंने भी एक दफ़ा एक फूड व्लॉग बनाया था, कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जिसमें दो तीन चीज़ें हमने डोसा तो बहुत बार ट्राई किया लेकिन उत्तपम है या उत्तपम मुझे भी वो नाम आज तक सही समझ है। लेकिन आपने देसी पिज़्ज़ा वाली बात की तो मुझे लग रहा है हाँ वो बड़ा मज़ेदार था। कैसे खाने ये जो उनके खाने यार इतने लजीज है, उनकी उनके मसालों की क्या बात करूँ। अच्छा, हम अपने मसालों को देखते हैं और उनके मसालों को देखते हैं तो हम यूँ लगता है शर्मिंदा हो जाते हैं हम उनके। अच्छा, उनके हर खाने में एक अलग अलग सी लज्जत है, अलग सी लज्जत क्या उनकी लज्जत, उनकी खुशबू मसालों की। वो जब खाना पकाते थे बड़ी बढ़िया खुशबू मिलती थी और जो है खाना खाने आप लग जाओ तो आपका दिल नहीं भरता था। हाँ, आप खाते जाओ जाते जाओ खाते थे। अच्छा, पाकिस्तानी का आपके दोस्त ने तो बताया होगा ना कि पाकिस्तान से आए, तो कैसा रवैया था, क्या था, कुछ आपको याद है कि किस तरह उनका मिलना था आपसे, कैसे वो जो है आपसे? ज़ाहिर ज़बान का तो फ़र्क तो था लेकिन उससे हटके भी ज़ाहिर है कुछ, या मेहमान नवाजी कैसी थी केरला वालों की? जब मैं प्लेन एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी हूँ वो इंडियन है, पता नहीं क्या रवैया मेरे साथ करेंगे या नफ़रत या मुंह चढ़ाना। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उनकी प्यार उनका मोहब्बत देख के मैं बहुत खुश हुआ और जो है उनके बात करने का तरीका जो है हमारे बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत अच्छा था। और ये कहें कि उनकी जो है ना तालीम आला थी वो इसी तरह से इंसान को इंसान समझते थे, जैसे हमारे यहाँ पर है वो करके पुकारते थे उधर नहीं, उधर यहाँ वहाँ पर इज़्ज़त बड़ी देते थे लोगों को और वहाँ के लोग बढ़िया बहुत कहते हैं ना कि इंडिया में बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया लोग थे। अच्छा, और शहर वगैरह कैसा था? हमने ये सुना है, अब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि यार हरियाली हरियाली, और आप तो एक मेरे ख्याल में रेगिस्तान वाले शहर से होके फिर वहाँ गए थे, तो वहाँ पर बहरीन में कहते हैं रमल, जो रेगिस्तान की जो मिट्टी को कहते हैं रमल। अच्छा, वो जहाँ पर पैर रखो तो पैर धस जाता, लेकिन वहाँ पर जो है ना माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ पर ये साफ सुथरी सड़कें और बड़ी चौड़ी वसी सड़कें और जहाँ तक नज़र जाए हरियाली, और ज़्यादातर वहाँ पर नारियल के पेड़। अच्छा, नारियल के पेड़ लगते थे, नारियल बेच रहे हैं खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, वहाँ एक नारियल की चटनी बड़ी हम अक्सर जो है इडली डोसा के साथ मेरे ख्याल में, वो आपने ट्राई की या नहीं की? वो उसको तो मैं क्या कहूँ, मैंने वो अपने यानी कि सुबह शाम मेरे लिए वो लाजिम थी, इतना मज़ा आया था इसको खाने में। अच्छा, लेकिन यहाँ नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलती नारियल की चटनी, ट्रेंड नहीं है। नहीं नहीं, वैसे हम खाते नारियल नहीं। अच्छा, सही सही। और मौसम वगैरह भी वहाँ का, या बारिशें वगैरह भी सुनते हैं काफ़ी होती है? हाँ, बारिशें होती हैं बहुत। उस टाइम में बारिश वारिश थी नहीं थी जब आप? बारिश एक दो दिन शुरू के हुई थी। अच्छा, फिर जो है ना रुक गई थी फिर। अच्छा, माहौल वहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि बारिश इतनी तेज़ होती थी
इतनी तेज़ बारिश है, आप जो है ना बारिश ख़त्म होने के 5 मिनट अगर आप घर से बाहर निकले ऐसा लगता था कि बारिश हुई नहीं। अच्छा, रोड बिल्कुल साफ सुथरे और सूखे। हमारे यहाँ पर तो मेरे ख्याल में हफ्तों महीनों तक पानी रुकता है, लेकिन वहाँ की कुछ अलग बात है। अच्छा, ये बताएं कोई घूमना उमना हुआ या सिर्फ शादी में ही मसरूफ रहे? नहीं नहीं, वो उस बेचारे ने जो है ना अपने शादी के मसरूफियात में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला, हम उनके ममनून हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पर कोई बीच वगैरह है, तो उन्होंने कहा हाँ यार चराई बीच, चराई बीच में चलो घूमने चलते हैं, वहाँ पर बड़ा आपको मज़ा चराई आपको वहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, तो हम गए गाड़ी पे, वहाँ पर जब पहुँचे तो देखा वाकई बहुत अच्छा बीच था, बहुत अच्छा बना हुआ था। तो उन्होंने हमें बीच में घुमाया और जो घुमाने के बाद जो है मछली जो है फ्राई करके, हाँ और तो मज़ा ही नहीं। और वैसे भी बलोच लोगों का तो भाई एक कोस्टल है, पूरा वो जो कोस्टल लाइन हमारी है पाकिस्तान की, तो उसमें ज़्यादातर बलोचिस्तान में ही है मछली उनको काम है। अच्छा, तो कैसा वहाँ का बीच और यहाँ के बीच में फ़र्क क्या नज़र आया? यहाँ के बीच में और वहाँ के बीच में ये फ़र्क है कि वहाँ पर हमें जो है ना थोड़ी सफाई सुथराई की ज़रूरत है, और यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा माहौल था साफ सफाई की ज़रूरत है पाकिस्तान पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ जो हमारे जी, जो बीच है, अच्छा। जी हमारे बीच में जो है समंदर के किनारों में आयल जो छोड़ा जाता है वो बुरा लगता है ऐसा बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर जी जी शिप्स वगैरह पूरी दुनिया के अंदर जो है जहाज कहीं पर भी आयल बदली नहीं करते, तब्दील नहीं करते मास सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा, तो बाहर फिर किस तरह करते हैं? बाहर पता नहीं क्या उनका सिस्टम है, सफाई का सिस्टम होगा, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे नीचे के समंदर के जो है ना पत्थर भी आपको नजर आएंगे, इतनी सफाई है वहाँ पर। वहाँ पर मैं गया जब बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा काश हमारे मुल्क में भी ऐसा माहौल। मछली क्या बात है माशाल्लाह यार, उनके मछली बनाने का अपना एक तरीका है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, ऐसा लगा कि मैं अपने जो है ना घर की मछली खा रहा हूँ, इतनी माशाल्लाह बहुत अच्छी पकाई थी बनाई थी। तो उनकी हर खाने के अंदर एक अपनी एक लज्जत थी। और उसके अलावा और कहाँ जाना हुआ, कुछ और जगहों पर जाना हुआ आपके? हम लोग गए ब्रॉडवे मार्केट ऐसा कुछ नाम था, तो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पर ख़रीदारी की घर के लिए। महंगी थी, सस्ती थी या? नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल, महंगी नहीं थी ना बिल्कुल, मैं कहूँ कि सस्ती थी पाकिस्तानी के लिए तो महंगी लगी बहुत, हाँ वहाँ पर सस्ती थी पाकिस्तानी मुकाबले में। तो वहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग की, मैंने देखा कि जो चीज़ें हमें पाकिस्तान में मुयसर नहीं है वो वहाँ पर मुयसर है, यानी कि हमसे वो आगे हैं हर लिहाज से। आप उनको देखोगे तो आप अगर कभी आपका जाना हुआ तो आप हैरान हो जाओगे, अपने मुल्क को देखकर और उनके मुल्क को देखकर जो है ना शर्म महसूस होती है। उनकी मार्केटें आप देखो, उनके बीच आप देखो यार, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप यूरोप में हो, वो इतनी सफाई सुथराई और हर चीज़ में रेट्स जो कीमतों के बिल्कुल बेहतरीन कीमतें उनकी हर चीज़ पर। हमारे यहाँ पर नहीं यार, आज सुबह आप सोए 20 रुपये लीटर पेट्रोल है बिलफर्ज, आप सुबह उठोगे 30 रुपये लीटर हो गए, वहाँ पर ऐसे नहीं, वहाँ पर 1 रुपया भी जो है ना बढ़ेगा तो पूरे पब्लिक को पता चलेगा कि 1 रुपये। अगर हम ये चीज़ें बातें करते हैं ना, कुछ लोग फिर यहाँ वाले बुरा भी मनाते कि यार हम जो है बुराई कर रहे हैं, आप क्या कहते हो कि यार कोई चीज़ें मसले मसाइल को हाईलाइट करना क्या बुराई है? नहीं नहीं, अगर हम हमारा दिल भी रोता है ना कि यार हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें हैं, सब कुछ हो सकता है बेहतर हो सकता है। एक आप खुद जो है बहरीन में भी रहे हैं, ठीक है मैं भी दुबई में रहा हूँ, जब वो रेगिस्तान में जंगल में मंगल हो सकता है, तो यहाँ तो सब चीज़ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीछे बिल्डिंगें नज़र आ रही होगी हमारे व्यूवर्स को, अगर इस तरह के अनगिनत चीज़ें जो है हमें ब्रिटिश के टाइम की मिली हुई हैं उनको बेहतर करना। रेलवे स्टेशन कैंट का आप देख लें, वो ब्रिटिश के टाइम का ही बना हुआ, लेकिन अभी भी उसको अब चले जाएंगे ना प्रॉपर शेड बने हुए, प्लेटफॉर्म प्रॉपर है ना कुछ है, तो क्या कहेंगे आप? कुछ लोग कहते हैं यार आप लोग फिर बुराई करते हो ये करते हो। आप जो है ऑटो में बैठ जाएं, वहाँ पर ऑटो में सफ़र करके आप देख लोगे कि एक झटका भी नहीं लगेगा आपको। और हमारे रोडों की क्या हालत है, खाना हजम हो जाता है हमारे रोडों में। हम सफ़र करते हैं तो हम अल्लाह मालिक अल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह सही सलामत हुआ पहुँचे, अगर बारिश हुई तो बेड़ा गर्क हो गया, सफ़र करना तो और मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर बसों में आप सफ़र करके देखें
और हमारे बसों में सफ़र करके देखे। अगर शलवार कमीज पहनी है तो वहाँ से चादर फट जाए, सारे शलवार है कमीज है जो है ना फट जाते, वहाँ पर ऐसे नहीं है। वहाँ पर अगर आप लोकल बस में भी सफ़र करोगे ना, जैसे हमारे यहाँ पर हैदराबाद सक्कर वगैरह जो अच्छी जो अच्छी बसें हैं, आपको वैसी बसें आपको लोकल मिलेंगी, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं लोकल में सफ़र कर रहा हूँ, ये अच्छी वाली विद इन सिटी। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ अच्छी बसें जो एयर कंडीशन बसें मानी जाती हैं वहाँ वो लोकल ही लोकल में, हाँ तो वहाँ जो हाईवे पे वैसे जो चल रहे इंटर सिटी वो तो फिर वो तो उनकी बात ही अलग है, उनकी बात अलग है। यहाँ भी स्लीपर आएंगे लेकिन ज़ाहिर फैसिलिटीज़ का फिर भी अभी भी फ़र्क होगा। सही, तो ओवरऑल कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ जाने का? वहाँ पर जाने का बड़ा अच्छा, जो है हमारे दोस्त थे पिंटू भाई, तो उन्होंने जो है ना अपने रिश्तेदारों से माजरत करके जो हमें टाइम दिया, मैं आज तक उनका मशकूर हूँ। जो इज़्ज़त उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने और कुर्ब जवाहर के जो लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, तो उससे दिल हमारा बहुत ही खुश हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अपने, ये नहीं कहूँगा कि भारत हमारा दुश्मन है, ये जो है ना एक सियासी, वो तुम छोड़ो सियासी गुफ्तगू को, ऐसे लग रहा था जैसे हम अपने भाई बहनों के बीच में रह रहे हैं, अपने ही मुल्क में जी। उन्होंने हमें ये फील करने नहीं दिया कि हम लोग जो है पाकिस्तान से आए हैं, ये हमारे दुश्मन हैं या फिलाना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके अलावा जो है काफ़ी मंदिर थे बड़े खूबसूरत, वो एक उसके एक चर्च था वो भी बड़ा खूबसूरत था। उसके अलावा जो है वंडरला पार्क जो है वहाँ पर हम आए, अच्छा। जी वहाँ पर हम आए घूमे तो देखा बड़े अच्छे स्लाइडिंग और झूले बड़े अच्छा। बेहतरीन थे, तो दिल तो बहुत कर रहा था लेकिन मैं थोड़ा पीछे इसलिए हटा, मैंने बोला यार मज़ा अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा तो डर लग रहा था, हकीकत यही है। देखेंगे तो बलोच लोग बोलेंगे यार तुम बलोच के डरते हो हैं। पिंडू ने तो बेचारे ने उसने जिद की कि बैठ हुई है, वो मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं बैठ सकता, माजरत यहाँ पर मुझे माफ कर ले। तो वैसे कैसा था पार्क? अच्छा था पार्क, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। वहाँ पर जो है ना जिस तरह हमारे पार्कों में कचरा खाया यहाँ पर फेंका, वहाँ पर ना, वहाँ पर ऐसे नहीं है। वहाँ पर हर जगह पर जो है ना डस्टबिन लगे हुए हैं, डस्टबिन के अंदर है, आप यहाँ भी लगे हुए हैं लेकिन वही है ना, लोग वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में बड़ा फ़र्क है। मैंने कहा ना पहले भी कि एजुकेशन और वहाँ पर तालीमें और यहाँ की तालीम होते हुए भी यहाँ पर जाहिलाना काम किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मैं एक बात भूल गया, हमारे वहाँ शादी में पिंटू के एक चाचा थे, खालू थे, याद नहीं आ रहा, वो मेरे साथ बहुत क्लोज थे, ना वो मेरी ज़ुबान समझते थे ना मैं उसकी ज़ुबान समझता था, लेकिन उसकी बड़ी बात यह थी वो मुझे बोर होने नहीं देते थे। अच्छा। वो देखता कि यार फसल भाई जो है थोड़ा बोर हो रहा है, तो मुझे कहते थे इशारे से जाते थे, तो वहाँ के करीबी करीबी जो दुकानें थी मार्केटें थी वहाँ पर घुमाने ले जाता था, थोड़े पार्कों में ले जाता था मुझे, यानी कि मुझे अच्छी कंपनी, हाँ बहुत अच्छी कंपनी थी। अच्छा। उसका नाम तो मैं भूल गया, अच्छा नाम था उसका। अच्छा। बोले कि अभी अगर देख रहे हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको जो है ना मैं तहे दिल से मशकूर मैं उनका हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से मुझे जो है अपना कीमती वक्त देकर मुझे यहाँ वहाँ घुमाया, खिलाया, पिलाया, और अगर वो यहाँ पर आए तो मैं उसे आँखों में, पलकों में और सर पे बैठाऊँगा, ये मेरा वादा है उससे। और पिंटू भाई को? पिंटू भाई तो पिंटू भाई, वो हमारे क्लोज है। अच्छा। वो इनके हमारे साथ ही है, साथ ही है। तो पिंटू भाई की भी यादें बड़ी ज़बरदस्त, वो भी अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, कभी हमें ये महसूस होने नहीं दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें जो है। अच्छा, पाकिस्तानी के साथ एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो कि कभी कभी रह जाती है, हिंदू मुसलमान कैसे वहाँ रह रहे हैं, किस तरह केरला में या कोची में आपको कैसा लगा माहौल या क्या, इस पर थोड़ा बताइए। वहाँ पर जो है आप अगर आप भी जाओगे तो आप भी परेशान हो जाओगे कि कोई ना हिंदू मुस्लिम के पंचायत में है, ना मुस्लिम ईसाई के पंचायत में, वहाँ पर बिल्कुल ब्रादराना माहौल, मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई किसी के मज़हब को जो है ना बुरा भला नहीं कहते, ना हिंदू मुसलमान को, ना मुसलमान ईसाई को,
कोई ऐसा कोई वहाँ पर इशू नहीं है, वहाँ पर ऐसे कोई मामला नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे सब भाई होकर रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, जो है हिंदू मुसलमान के दुख दर्द में और ईसाई मुसलमान के दुख दर्द में, इस तरह जो है वहाँ का माहौल बहुत अच्छा और ब्रादराना माहौल है। हमारे यहाँ पर जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, अजीब व गरीब बातें कही जाती हैं कि हिंदू ऐसा है, ईसाई ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने वहाँ पर यहाँ ऐसी कुछ बात ऐसी नहीं देखी। अच्छा, बलोची में कुछ कहना चाहें इनको, जैसे हम मिन्नतवार बोलते, क्या बोलते हैं, थैंक यू को, शुक्रिया को, मावती बलोची में, अब जिनको समझ आया नहीं है मैं समझा दूंगा क्या कह रहे हैं। मावती कुल्ली पुल्ले चारों कानी जो हस्ते दिले जौला किया ची मिन्नतवार कि मैं ये प्रोग्राम बेचारे लाइक बिकने, सब्सक्राइब बिकने और जो है कमेंट जरूर भी दिए शुमा मैं ये प्रोग्राम। लास्ट में जो है भाई, पहले तो बहुत बहुत जो है आप सर आपका थैंक्स, आपने टाइम दिया हमें, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी।